Prendo io. हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ये सैटरडे का ब्लॉग है, सैटरडे की रात हो रही है और जहाँ मैंने अपना लास्ट वाला ब्लॉग एंड किया था वहीं उसी के आगे से मैंने ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया है। और मैं अभी अपनी जिठानी पूनम दीदी के घर से आती जा रही हूँ और आज बहुत देर हो गई उनसे बातें करते करते, टाइम पता ही नहीं चला। और तांशु यहाँ पर अभी अपना गेम्स खेल रहे हैं और ये देखिए ये अपना संध्या आरती कर रहे हैं। और इस रूम के गेट के ऊपर जो अलमारी बनी हुई है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी नाना जी की तस्वीर रखी हुई है और राइट हैंड साइड पर हमारे बाबा जी यानी कि मेरे ददिया ससुर की तस्वीर रखी हुई थी। तो जब भी हम पूजा करते हैं ना तो साथ में उनको भी पूजते हैं। हेलो गाइस, और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जैसे कि मोस्टली होता है, बहुत से लोग ना फालतू के गेम्स खेल खेल कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लाइक फ्री फायर, पबजी और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनको खेल कर अपना टाइम तो वेस्ट करते ही हैं, साथ ही मोबाइल की चार्जिंग भी वेस्ट होती है, मतलब सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट होता है। तो मैं यहाँ आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे खेलकर आप एक दिन में 500 से 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ जहाँ पर आप मेरी अर्निंग देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी अर्निंग्स की है वो गेम खेलकर। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रमी नोबल ऐप की, जिसपे साइन अप करते ही आपको मिलता है 41 रुपए और आप उन 41 रुपए से गेम भी खेल सकते हैं या फिर उनको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 501 रुपए डिपॉजिट कर दिए और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसका यूज करके आप ना 500 से 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। और मैंने गेम स्टार्ट कर दिया है ड्रैगन वर्सेस टाइगर, जो कि मेरा फेवरेट गेम है। और अब मैं यहाँ पर 3 गुना प्रेडिक्शन ट्रिक का यूज करूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 रुपए हार चुकी हूँ तो अब मैं यहाँ पर 30 रुपए लगाऊंगी और 3 गुना ट्रिक का यूज करने से मेरे इन्वेस्टमेंट से मेरा लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर 10 रुपए लगा रही हूँ। अरे यार मैं तो हार गई। कोई बात नहीं गाइस, मैं फिर से 3 गुना प्रेडिक्शन ट्रिक का यूज करूंगी और इस ट्रिक से ना मेरा लॉस हर बार रिकवर हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं दोबारा जीत चुकी हूँ। इस ट्रिक को यूज करके आप भी जीत सकते हैं। और ये देखिए मैंने 10 मिनट में 600 रुपए कमा लिए हैं जिसे मैं इजीली अपने अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकती हूँ। और ये देखिए मेरा पूरा पैसा इतनी जल्दी मेरे अकाउंट में आ गया है। तो आप भी इस गेम को खेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करके रमी नोबल ऐप को डाउनलोड करें, उस पर साइन अप करें और गेम खेलकर ढेर सारे पैसे जीतें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी संडे की सुबह हो गई है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पूरे घर में पोंछा। और आज मैं बैठ करके हाथ से पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि जो डंडे वाला पोंछा है ना वो खराब हो गया है, तो पापा जी दूसरा लेकर के आएंगे। और वैसे उस स्टिक वाले पोंछे से ना तखत के नीचे पोंछा इजीली लग जाता था, लेकिन अभी मुझे अंदर जाकर के लगाना पड़ रहा है। और अभी मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ, हेयर कॉम्ब करके चोटी भी कर ली है और आज हेयर वॉश किया है मैंने, तो हेयर थोड़े से गीले हो रहे हैं, अभी अच्छे से सूखे नहीं है, बट फिर भी मैंने चोटी कर ली है क्योंकि मुझे अभी किचन में जाना है, खाना पीना बनाना है, तो हेयर खुले छोड़ना ठीक नहीं है। तो इसलिए जब खाना पीना बना लूँगी उसके बाद ओपन कर लूँगी सुखाने के लिए। और सामने आपको टेबल दिखाई दे रही है मेरे इस रूम में, इस पर पिलो और ओढ़ने की चादर वगैरह रखी हुई हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं नहा करके रेडी हूँ और बस अब किचन में जा रही हूँ खाना पीना बनाने। और देखिए आज ना मैंने बहुत पुरानी साड़ी पहनी है अपनी, ये देखिए नॉन वाइट कलर, क्रीम कलर है और ये इसमें ना पिंक कलर का बॉर्डर है और पिंक कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इसमें पूरे में सिक्वेंस का वर्क हो रहा है इस साड़ी में। और ये जो मैं ब्लाउज पहने हूँ ना, ये ब्लैक कलर वाला, ये मेरा रेडीमेड ब्लाउज है, इस साड़ी का नहीं है क्योंकि इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो मेरे अब फिट नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। और ये जो साड़ी है बहुत पुरानी है, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले जब मम्मी ने शॉपिंग कराई थी मुझे, तो उस टाइम पे हाँ यादव आंटी जी ने, जो हमारे घर के सामने घर है, यादव आंटी जी जिनसे हमारे फैमिली रिलेशन है, आंटी जी ने तब मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी शादी पर। और ये साड़ी यहीं रखी रहती है
मैं कुछ साड़ियाँ यहाँ पर भी रखती हूँ, जैसे कि जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे नीड पड़ती है तो मुझे साथ में लेके ना आनी पड़े, तो इसलिए कुछ साड़ियाँ मैं यहाँ पर भी रखती हूँ। और ये साड़ी मैंने इतने टाइम बाद इसलिए पहनी है क्योंकि इसका ब्लाउज मेरे फिट नहीं होता है, और इसके साथ पहनने के लिए मुझे और कोई मेरे पास मैचिंग का ब्लाउज नहीं था, तो ये साड़ी ऐसी ही रखी हुई थी। और मैंने ये अभी कुछ टाइम पहले जो ये ब्लैक कलर का रेडीमेड ब्लाउज पहना है ना, तो मैंने कहा चलो आज इस पे इस साड़ी को पहन लेते हैं। व्हाइट क्रीम व्हाइट या क्रीम कलर पर वैसे भी ब्लैक कलर का ब्लाउज मैच कर जाता है, तो आज मैंने इतने टाइम बाद इस साड़ी को पहन लिया है। और ये देखिए ये है मेरी पूरी साड़ी इस तरीके से, तो कैसी लग रही हूँ आज मैं इस साड़ी में। चलिए बातें बहुत हो गई है, अभी किचन में चलते हैं खाना पीना बना लेते हैं। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। सो मैंने जो है पानी से अच्छे से वॉश करके बीन भी ली थी और अभी मैंने कुकर में रख दिया, उसमें सारे मसाले साथ के साथ डाल दे रही हूँ, हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर नमक सब ऐड करके जो है ढक्कन लगा करके पकने रख दे रही हूँ, सीटी लगानी है बस। और इस दाल को बनने के लिए ना 5-6 सीटी लगानी पड़ती है क्योंकि इस दाल को बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और लाइट आ रही थी तो मैंने सोचा चलो दाल के लिए लहसुन प्याज ना मैं इंडक्शन पे ही फ्राई कर ले रही हूँ, तो मैं फ्राई कर ही रही थी कि अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाई थी लहसुन प्याज, इतने में लाइट चली गई, फिर मुझे गैस पे ही करना पड़ा है और इस चक्कर में थोड़ी सी प्याज जल भी गई। और अभी मैं यहाँ पर जो है पूजा कर ले रही हूँ, वैसे तो इन्होंने ठाकुर जी को नहला करके भोग लगा दिया था बट फिर भी मैंने कहा चलो मैं भी पूरा जो है हाथ जोड़ ले रही हूँ। और ये 2 बजे तक हाथरस पहुँचने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे 2:15 बजे तक हर हाल में जो है रेस्टोरेंट जाना है क्योंकि फिर वहाँ पर थोड़ा सा आज लोड ज़्यादा है काम का, तो ये जल्दी के लिए बोल रहे हैं। सो मैं यहाँ पर मैं तो रेडी हूँ और तांशु को भी मैंने रेडी कर दिया, बस ये हेयर कॉम कर दूँ इनके। और ये इधर टेबल पर टिफ़िन में खाना रखा हुआ है जो कि पापा जी के लिए जा रहा है, पापा जी सुबह जल्दी डॉकी में जो हमारा प्लॉट है ना वहाँ चले गए थे, वहाँ पर कुछ काम करवा रहे हैं तो मिस्त्री लेबर वगैरह आई हुई है, तो पापा जी आ नहीं पाएंगे, वो बोल रहे थे कि यहीं ले आओ खाना, तो हम पापा जी को खाना देते हुए वहीं से निकल जाएंगे। चलो हमारे ध्यान रखना है अच्छे से, जल्दी आ रही है तांसु बैच हुआ अम्मा के दादी के, चलो वो कहीं नहीं हो, वो कहीं नहीं हो। और आज दादी को पहली बार ऐसे रोते हुए उदास होते हुए देखा ना तो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि देवर देवरानी के जाने से घर एकदम खाली खाली हो गया है, उनके रहने से घर भरा भरा रहता था, बट मैंने दादी से बोल दिया है कि दादी हम कौन सा ज़्यादा दूर रहते हैं, जब आप बुलाओगे तुरंत आ जाएंगे, आप एक आवाज़ देना। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम फिनिश हो जाए तो उसके बाद ना कुछ दिन की छुट्टी लेकर के यहाँ पर रहने आऊँगी, वैसे भी समर वैकेशन पर मैं यहाँ पर रह नहीं पाई थी, तो एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद ना कुछ दिन की छुट्टी जरूर लेकर के आऊँगी क्योंकि ऐसे एक दिन के लिए आना कोई आना नहीं होता। और अभी हम अपने प्लॉट कम मार्केट पे पहुंच गए हैं, प्लॉट के मतलब आधा तो ये बना ही हुआ है, आधा जो है प्लॉट टाइप का पड़ा हुआ है खुला जिसमें जो है पापा जी ने पेड़ पौधे कर रखे हैं।
और यहाँ पर पहले आगे की साइड ना चार दुकानें बनी हुई थी और बाकी पीछे पूरा खुला था, लेकिन फिर बाद में जो है इसमें चार दुकानों के पीछे चार बड़े बड़े रूम बनवाए गए थे और ये दुकानें भी पूरी तोड़ करके ना एक कर दी गई थी, क्योंकि देवर जी यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर खोलने वाले थे जिसकी पूरी तैयारियाँ हो गई थी, जिसमें एक ब्यूटी पार्लर का सेंटर था और एक कंप्यूटर क्लास का सेंटर था और दोनों के लिए दो दो रूम बनाए गए थे, एक रूम प्रैक्टिकल क्लास के लिए और एक रूम थ्योरी क्लास के लिए, और पूरा स्टाफ भी सिलेक्ट हो गया था, स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी ले लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सेंटर स्टार्ट ही नहीं हो पाया। जैसे ही सेंटर के स्टार्ट होने की बारी आई तब तक जो है गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी थी, और उस वक्त भैया ना बहुत टेंशन में आ गए थे क्योंकि उन्होंने इसको लेकर के इतने सारे सपने सोच लिए थे, बट सारे सपने टूट करके बिखर गए। बहुत मुश्किल से भैया ने अपने आप को संभाला है और अभी पापा जी ना इन दुकानों में पार्टीशन करवा रहे हैं जिससे कि वो दुकानें रेंट पर उठ जाएं, और दुकानों के जस्ट पीछे ये जो रूम बना हुआ है इसमें ना अंदर की साइड गेट था, बाहर की साइड नहीं था, तो अभी पापा जी ना बाहर की साइड एक गेट निकलवा दे रहे हैं और जस्ट बगल से एक विंडो निकलवा दे रहे हैं बड़ी सी, जिससे कि ये भी फिर रेंट पर उठ जाएगा। और बाकी के जो तीन रूम है वो रेंट पर उठ रहे हैं, इसमें ये फैक्ट्री चल रही है जिसमें ये कांच के हुक्के बनते हैं, तो यहाँ पर ये सभी लोग लगे हुए हैं कांच के हुक्के बनाने में, और ये ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं जिनकी हेल्प से ही कांच के हुक्के बनाए जाते हैं। और अभी मैं आप लोगों को अपनी फुलवारी दिखाती हूँ जहाँ पर पापा जी ने तिल के पौधे लगा रखे हैं, और बहुत सारे लगा रखे हैं, तो ये सारे आपको जो पौधे दिख रहे हैं ना ये सब ज़्यादातर इसमें तिल के ही पौधे हैं, ये आपको जिसमें फ्लावर वाइट वाइट फ्लावर नज़र आ रहे हैं ना ये सब तिल के पौधे हैं, और पीले कनेर के फूल वाले भी पौधे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और ग्वार की फली की भी बेल लगा रखी है मम्मी जी ने एक साइड से, और हमें हाथस निकलने के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो मैं आपको अंदर जाकर के अच्छे से दिखाती तिल के पौधे ग्वार की फली दिखाती सब कुछ अच्छे से दिखाती, लेकिन अभी मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, हमें हाथस के लिए निकलना अभी है। और हम लोग जा ही रहे थे कि विजय भैया अभी आ गए हैं यहाँ पर मार्केट पे काम वगैरह देखने की कैसा चल रहा है, और हमें अब लेट हो रहा है तो हम लोग निकल रहे हैं। और हम लोग आधे रास्ते में भी नहीं पहुंच पाए थे कि इस बाइक ने हमें बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया, पंक्चर हो गया इस बाइक में और बहुत दूर तक जो है ऐसी पैदल लेकर के जानी पड़ी है, तब ये हमको ये पंक्चर की दुकान मिली है, तब यहाँ पर इन्होंने ये पंक्चर अभी जुड़वा रहे हैं यहाँ पर, और उस वक्त इतने गुस्से में थे कि पूछो मत, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी और बाइक ऐसे घसीट करके ले जानी पड़ रही थी ना, बहुत दूर तक ले जानी पड़ी थी, तो गुस्सा ऐसे हो रहे थे जैसे कि सब कुछ मैंने कर दिया हो। और अभी पंक्चर जुड़ गया है और पंक्चर वाले भैया जो हैं ट्यूब को टायर के अंदर फिट कर रहे हैं, और अब गाड़ी सही हो गई है ना, बाइक सही हो गई है, तो अब जाकर के इनके फेस पर हंसी आई है, और सच में इस पंक्चर की वजह से ना आज हम तीनों इतने परेशान हो गए, इसकी वजह से इतनी दूर तक हम तीनों को इतनी तेज़ धूप में पैदल चलना पड़ा है कि पूछो मत, और ऊपर से ये रेस्टोरेंट के लिए लेट हो रहे थे तो इसलिए इनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर चलो अभी पंक्चर जुड़ जाने के साथ साथ इनका गुस्सा भी दूर हो गया, इनके चेहरे पे हंसी आ गई है, और अब हम निकलते हैं वापस अपनी मंजिल की ओर। और अभी हम आ गए अपने रूम पर हाथरस वापस, और ये निकल गए अपने रेस्टोरेंट के लिए, और अब मैं भी अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दे रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।